हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ डबल कलर की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल सी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन बनाने में इतनी सरल है कि आप सोचेंगे कि ये मुझे पहले से क्यों नहीं मालूम थी, नहीं तो मैं इसे पिछले सीजन में ही बना लेती। तो देर किस बात की, अब आप इस सीजन के लिए इस डिज़ाइन को अपने किसी भी नीटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। ये 4 फंदों की डिज़ाइन है और यहाँ पर मैंने 4 फंदों के हिसाब से 4 के मल्टीपल से में फंदे डाले हैं और 1 फंदा एक्स्ट्रा रखा है। ये 1 फंदा एक्स्ट्रा है, तो ये 4 4 4 और ये 4 4 के मल्टीपल्स में फंदे डाले हैं, 1 फंदा एक्स्ट्रा रखा है। 2 रो का बॉर्डर बना है, 17 फंदे डाले हैं। दोनों ओर से बॉर्डर उल्टे उल्टे फंदों से बनाया गया है। इसके बाद 4 मैंने प्राइमरी रो बनाई है। 4 प्राइमरी रो के बाद ही डिज़ाइन शुरू होगी दूसरे कलर से। मेन कलर की 4 प्राइमरी रो बनाई जाएंगी, जो कि राइट साइड से सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी और बैक साइड से उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। वैसे तो ये 4 रो की डिज़ाइन है, लेकिन एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद डिज़ाइन की जगह चेंज हो जाती है, इसलिए ये 8 रो की डिज़ाइन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 4 रो बिन ली हैं, इनको आप प्राइमरी रो समझ लीजिए। उसके बाद से मैं जो बना रही हूँ फर्स्ट रो के हिसाब से, वैसे ही डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए, यहाँ हम फर्स्ट रो बना रहे हैं, डिज़ाइन का कलर चेंज कर लेंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सरल डिज़ाइन है। 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसके बाद ये जो तीसरा फंदा है, इसको हम ये 1 2 3 और ये 4 फंदे ये इस तरह से खोल देंगे और ये जो पांचवा है इसमें सिलाई डाल करके इस तरह से एक सीधा फंदा बना लेंगे। उसी फंदे से ये सीधा फंदा बना लेंगे। ये हमने बना लिया, तो एक फंदा ये हो गया और ये देखिए 3 फंदे हम बिनेंगे। ये 1 2 और ये 3, ये 4 फंदों की बिनाई है। इस तरह से बनी जाएगी। क्या करेंगे, ये 1 2 3 और ये 4 फंदे ये खोल लेंगे। जो पांचवा वाला है उसमें सिलाई डाल करके ये एक फंदा हम बना लेंगे और इसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। एक फंदा इस तरह से बनाना है, ये 4 बार फंदे को खोल लेंगे। ये 1 2 3 4, एक ही फंदे को 4 जगह से गिरा लेंगे और उसका जो नीचे वाला फंदा होगा पांचवा, वहाँ से ये इस तरह से बिन लेंगे सीधा और इसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 4 फंदों की डिज़ाइन है, ये इस तरह से। फिर ये देखिए, ये 1, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 और ये 4, 4 के बाद ये पांचवें उस पर ये इस तरह से ले लेंगे। अब दोनों फंदे जो लास्ट में बचे हैं इनको दोनों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है कंप्लीट हो जाएगी। हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं, जो कि बैक साइड से है। डिज़ाइन की सेकंड रो में पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बिनते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये डिज़ाइन बैक साइड से इस तरह से दिखाई देती है और राइट साइड से ये इस तरह से दिखाई देती है। अब डिज़ाइन की हम थर्ड रो पर हैं। इस डिज़ाइन में केवल फर्स्ट रो में डिज़ाइन बनती है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल सिंपल भी नहीं जाती हैं। अब ये थर्ड रो है हमारी, थर्ड रो राइट साइड से है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, आप चाहे तो सीधा बुन सकते हैं और इसके बाद के सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो को आप आंख बंद करके आसानी से बुन सकते हैं। आप पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए आसानी से बुनाई कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही आसान डिज़ाइन। केवल एक रो में आपको डिज़ाइन बनानी है
और थ्री रो जो हैं आपको सिंपल बिननी है। ये इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। हम डिज़ाइन की फोर्थ रो पर हैं जो कि बैक साइड से है, सेकंड रो की तरह है, पूरी रो उल्टी बिनी जाएगी। पहला फंदा आप चाहे स्लिप कर लें चाहे उल्टा बिन लें, और इसके बाद के सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बिनना है। केवल फर्स्ट रो में बुनाई बनानी है जो कि डिज़ाइन की मेन रो है, और इसके सिवा सेकंड थर्ड और फोर्थ रो तीनों रो बहुत ही सिंपल है। सेकंड रो बैक साइड से उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी, थर्ड रो राइट साइड से सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी, और फोर्थ रो फिर बैक साइड से उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। यहाँ मैंने फोर रो बना ली है। यहाँ पर फोर प्राइमरी रो बना करके, ये फोर प्राइमरी रो बना करके एक बार डिज़ाइन बन गई है। ये मैंने डिज़ाइन बना ली है। अब दूसरी बार आपको डिज़ाइन बनानी है तो डिज़ाइन की जगह चेंज करनी है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारी फिफ्थ रो में केवल डिज़ाइन बनेगी, और सिक्स सेवन्थ और एट्थ रो बिल्कुल सिंपल सीधे और उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। तो ये है हमारी फिफ्थ रो। कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, पहला फंदा ये सीधा बुन लेंगे, क्योंकि कलर चेंज किया इसलिए सीधा बुन लेंगे, नहीं तो हम इसे स्लिप कर लेते हैं, और तीन फंदे हम और सीधे बुनेंगे। क्यों बुनेंगे, क्योंकि ये देखिए ये तीन फंदों की डिज़ाइन है, इसमें जो ये बीचों बीच वाला फंदा है इस बार हमें इसे स्लिप करना है, इसलिए हमें चार फंदे सीधे बुनने हैं और उसके बाद ये पांचवा फंदा स्लिप करना है। ये तीन फंदों के बीचों बीच का फंदा है, हर बार आपका जो ये तीन फंदे हैं इनके बीचों बीच वाला फंदा स्लिप करना है। तो इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, और इसके बाद स्लिप नहीं करेंगे, इस फंदे में हमें डिज़ाइन बनानी है। कैसे बनानी, वही जैसे हमने अभी पहले बनाया था। ये आपके ये चार फंदे ये इस तरह से खोले जाएंगे, दो तीन और ये चौथा, तीन हो गए और ये चौथा हो गया। चारों फंदे जब आप खोल लेंगे तो ये जो नीचे वाला फंदा है पांचवा, इस वाले फंदे से आपको एक फंदा बनाना है, और वो भी सीधा इस तरह से। फिर आप तीन फंदे बुनेंगे सीधे, और इसके बाद जिस वाले फंदे को खोल लेंगे, ये बीचों बीच वाला जो फंदा है उस पे डिज़ाइन बननी है, ये बीचों बीच वाले फंदे को खोल लेंगे इस तरह से। ये नीचे से जो पांचवें नंबर का फंदा उसको ले करके, वो उसी कलर का फंदा होगा, पांचवा नंबर का फंदा वही कलर का होगा जिस कलर से आप बुनाई कर रहे हैं। ये देखिए उसी कलर के फंदे को हमने लिया है इस तरह से। फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, और ये चौथा फंदा उसी तरह से खोल करके बनाया जाएगा। फर्स्ट रो में आपकी बुनाई है, और फिफ्थ रो में बुनाई है आपकी मेन बुनाई, और इसके सिवा थ्री रो सेकंड थर्ड फोर्थ और सिक्स सेवन्थ एट्थ बिल्कुल सिंपल बनी जाएंगी। ये देखिए इस तरह से बन जाएगी। ये तीन फंदे हम सीधे बुनते हैं, और चौथा फंदा जो हमारा एज वाला है उसे भी हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए आप, पहले जब हमने डिज़ाइन बनाई थी तो दो फंदों के बाद ये लिया था मैंने, फंदे उतार करके ये फंदा लिया था, लेकिन इस बार जब हमने डिज़ाइन की जगह चेंज किया है तो चार फंदों के बाद ये इस तरह से फंदा उतार करके ये फंदे को उठाया है। ये हमारी डिज़ाइन की जगह चेंज हो गई है, फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई। हाँ, अब हम डिज़ाइन की सिक्स्थ रो पर हैं जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, और बाकी सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, और बहुत ही ईजी है। इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में जैसे कार्डिगन, जैकेट, बेबी स्वेटर, कोटी और फ्रॉक, मफलर, टोपी, किसी में भी आप आसानी से डाल सकते हैं। जिस किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस डिज़ाइन को डालेंगे वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो इस तरह से ये हमारी सिक्स रो भी कंप्लीट हो गई है। हम डिज़ाइन के सेवन्थ रो पर हैं। पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। आप इस डिज़ाइन को सिंगल कलर में भी बना सकती हैं और मल्टी कलर में भी बना सकती हैं। बस फोर रो के बाद डिज़ाइन की जगह चेंज करनी है। कलर आप चाहें तो ना चेंज करें, सिंगल कलर में आसानी से बना सकती हैं। डिज़ाइन की एट रो पर हैं जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, और इसके बाद के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे।
पूरी रो हमें उल्टे उल्टे फंदों से बनानी है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये डिज़ाइन पसंद आती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ और इस खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।